तो अभी ये निकालेंगे, ये भी फंस गया है काफी। इस गाड़ी का देख लेना कट कहाँ से करवाना है, पत्थर आगे से साइड कर लो ताकि लगे ना। ये देख सकते हो आप, ओह गुड मॉर्निंग फ्रॉम तराल। कल का दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रात को हम रुके थे तराल में। ये जो कश्मीर की साइड है ना, ये तो मैं कभी भी देख ही नहीं पाता अगर मैं इनके साथ नहीं आता। अगर हमारे पास टाइम होता तो आपको कश्मीर ये घुमाते अच्छे से, तराल वाली साइड बहुत, मतलब कश्मीर में मेरे को फेवरेट जगह है। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी जिस वजह से हम ज्यादा नहीं घूम पाए। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे हम जम्मू के लिए। ये है सिमरन भाई जिनके घर हम रात को रुके थे और ये भी हमारे साथ आज जम्मू ही जाने वाले हैं। खैर इनकी गाड़ी ज्यादा बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि हम इनकी गाड़ी के साथ रेस लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी साथ साथ में सफर तो हो गई। जा रहे हैं हम बनिहाल टनल से, तो कितना रास्ता हमारा कवर हो जाएगा। वो जवाहर टनल वाला जो ऊपर से घूम के आने में आना पड़ता था, आज फर्स्ट टाइम मैं इस टनल से जा रहा हूँ। टनल तो सारे सेम ही होते हैं। ऊपर बनिहाल वाली साइड ना जाम लगा हुआ था तो ये इन्होंने शॉर्टकट मारने की कोशिश की है, लेकिन ये शॉर्टकट है नहीं, आगे तो रास्ता ही बंद है। तो देखते हैं अभी अभी फिर से ऊपर से ही जाना पड़ेगा। मिलते नहीं पड़ा हुआ, क्लेम कर देते हैं पहले। भाई साहब नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो रहा है हर जगह। तो यहाँ फिर से हमारे घुफर में दिक्कत आ चुकी है। एक्चुअली मैं बात ये कर रहा था कि पता नहीं क्या बात कर रहा था, कुछ जाम के रिलेटेड ही बोल रहा था मैं कि ऊपर जाम लगा हुआ है इसलिए हम शॉर्ट वाले रास्ते से आए हैं, लेकिन यहाँ भी हम फंस गए। रास्ता हमने खैर बना दिया है मारुति को, मारुति को खैर उतनी जगह की जरूरत भी नहीं होती है। थोड़ा धक्का मारते हैं रेस की, तो अभी ये निकालेंगे, ये भी फंस गया है काफी अंदर तक। नहीं नहीं खड्डा ज्यादा हो रहा है नीचे, कुछ दो ना हार्ड सरफेस दो। ये आगे जगह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोने पे आ गई है गाड़ी। ना ना बस चला गया, चला गया, चला गया, चला चल। नहीं दो डबल करके रखो बेटा, डबल करके पता रखो उससे। तो अभी फट्टा लगा लिया, उस साइड जा रहा, उस साइड जा रहा, उस साइड भी कुछ देना पड़ेगा, उस साइड से बैठ रहा है, इस साइड भी कुछ देना पड़ेगा। तो भैया इस साइड से निकला तो उस साइड से धस गया। तो फट्टा स्लिप हो गया, इसको पीछे खींचने से निकलेगी, ऐसे निकलेगी। उस साइड जगह देखो ना, भैया वरना निकालने वाले हैं। इधर कटे पूरा इस पास, कटो पूरी कटे पूरी। ओ ना ना कटो कटो कटो, जान दो 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 बड़ी है, जान दो निकली निकली निकली। तो भाई साहब जान दो बड़ी है, जान दो कितनी जान दो आने दो भैया। इस गाड़ी का देख लेना कट कहाँ से करवाना है,
जब बोलेंगे तब काटना। आ दो काटो, पूरा काटो, पूरा गांधो गांधो। आगे पत्थर है ना, जल्दी निकालना भैया, ठीक है। पत्थर आगे से साइड कर लो ताकि लगे ना, बस। हाँ आगे वाला बड़ा भी साइड करो। वैगनर की खैर क्लियरेंस काफी ज्यादा है। हाँ बस जाएगी अब। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा है, देखने में लगे ना लगे, लेकिन भाई साहब सबसे ज़्यादा तो इस गाड़ी ने किया है, सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है, बाकी सारी तो SUV टाइप गाड़ियाँ थी। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब इस जाम ने तो पूरी बैंड बजा दी ट्रिप की, लगभग 2 घंटे हो गए हैं खड़े जाम में और अभी भी मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे और लगने वाले हैं। तो एक ही गाड़ी में AC लगा के बैठते हैं। भाई साहब ये फिलहाल आ चुका है अभी खूनी नाला, बस लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पे, वही आप देख सकते हैं। ये लगाया था कि पत्थर इसको बच के नहीं। खाना खाने के लिए रुक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें। खाने वाले हैं पीड़ा के फेमस राजमा चावल और इनको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पीड़ा में राजमा चावल खाने के बाद हम पहुँच चुके हैं चनैनी नाशनी टनल के पास। सिमरन भाई यहाँ से जा रहे हैं, इन्हें जाना है कटरा और हमें जाना है जम्मू। भाई साहब ये रही वरना काफी ज्यादा सेक्सी लग रही है, पहले थी अभी इन्होंने बहुत बुरी हालत कर दी है। तो भाई साहब किस्मत इतनी खराब है, आगे एक पेट्रोल का टैंकर है वो उल्टा हो गया, तो अब रास्ता आगे से बंद है, पानी में पूरा पेट्रोल ही पेट्रोल हो गया है, बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो चुका है। रास्ता पूरे रास्ते में ना तेल की स्मेल आ रही है, सिर्फ इधर आग की चिंगारी चुंगारी कहीं लग गई ना, टैंकी फटेगा और क्या होगा, टैंकी फटेगा। आप देख सकते हो कितना मेस क्रिएट हो चुका है, वापस जाना पड़ेगा सबको। ये देख सकते हो आप, ओ भाई अच्छा इस गाड़ी के साथ टैंकर लगा है, ओ भाई उस बस के साथ लगा टैंकर। और ये यहाँ आगे एक और गाड़ी आपको दिख रही है टो करी हुई अल्टो, आज भाई साहब पता नहीं क्या। और भाई साहब ये हैं ट्रिप के एंडिंग शॉट्स और देख सकते हो आप कि मेरा GoPro कितनी ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसने एंडिंग शॉट में भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा ट्रिप बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मारुति ने हमारा काफी ज्यादा साथ दिया और उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारा इस ट्रिप में खर्चा कितना हुआ है। जैसे कि ये डायरी हमने निकाल ली और इसमें हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा खर्चा हमने लिखा हुआ है, जैसे 70 रुपये लिखा हुआ है एक चीज़ का, तो ये हमारा कुछ 21,880 रुपये बन गया, लगभग लगा लो आप 22,000 रुपये बन गया और उस हिसाब से 11,000 रुपये पर पर्सन आया है। 8 दिन का ट्रिप था और 8 दिन के ट्रिप में 11,000 पर पर्सन कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी मेजर खर्चा हमारा मारुति का पेट्रोल है और जो हम रूम्स वगैरह में रहे हैं मारुति का पेट्रोल लग गया 12,000 का और रूम वगैरह जो हमने लिया वो लगभग 5-6,000 के वो है। ये रमन भाई के साथ भी एक्सपीरियंस हमारा काफी अच्छा रहा, इनके चैनल का लिंक विंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ। तो भाई साहब जितना मैं वॉइस ओवर कर सकता था उतना मैंने कर लिया, तो मेरे GoPro में जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि कभी कभार ये ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता है, पहले भी ऐसा करता था बट कभी भी किसी मेजर फुटेज के साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार क्या है कि इस वीडियो में तो इसने 2 मेजर फुटेज के साथ ऐसा कर दिया है, तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों होता है। अगर आप में से किसी को पता है कि ये दिक्कत क्या है और इसका क्या हल हो सकता है तो कमेंट में बता देना। तो ये वो कुछ चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, खर्चे आपके आते हैं। 30,000 का मुझे GoPro पड़ेगा तो 30,000 में तो हमारी 3 ट्रिप्स हो सकती हैं और भी बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, बट यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें और अब हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला है अगर GoPro का मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो प्रोजेक्ट जिप्सी पे काम करना शुरू करेंगे, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। तो बस बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा।